अनुकंपा नौकरी के नियमों में सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अब सरकारी नौकरी करने वाले किसी भी सेवक की सेवाकाल के दौरान मौत हो जाने या लापता होने की स्थिति में उनके आश्रितों को नौकरी के लिए आवेदन करने के समय में 5 साल की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। पटना हाई कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने इस नियम को लागू कर दिया है। अब आश्रित परिवार अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने के लिए 1 दशक बाद भी आवेदन कर सकेंगे। दरअसल पटना हाई कोर्ट में एक महिला ने याचिका दायर की थी, जिसमें उसने बताया था कि उसके पति सरकारी सेवक थे और वर्ष 2005 में लापता हो गए। 8 साल बाद जब हमने अनुकंपा पर नौकरी पाने के लिए आवेदन दिया तो बताया गया कि आपने इसके लिए काफी देर कर दी है, अब आप अनुकंपा पर नौकरी पाने की पात्र नहीं हो सकती हैं, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग के नियम के अनुसार किसी भी सरकारी सेवक के लापता या मृत होने की स्थिति में उसके परिजनों की ओर से 5 साल के अंदर ही अनुकंपा पर नौकरी पाने के लिए आवेदन देने का प्रावधान है। महिला की याचिका पर सुनवाई के वक्त हाईकोर्ट ने सामान्य प्रशासन विभाग के इस नियम पर आपत्ति जताई। कोर्ट का कहना था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 में किसी लापता व्यक्ति के कानूनी रूप से मृत घोषित करने की मियाद 7 वर्ष है। ऐसे में कोई आश्रित 7 साल से पहले अपने स्वजन कर नौकरी पाने का दावा कैसे कर सकता है। कोर्ट ने इस नियम में बदलाव करने का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने अनुकंपा आधारित नियुक्ति के नियम को बदल दिया है। अधिसूचना के मृत घोषित मुताबिक किसी भी सरकारी सेवक के लापता होने के 7 साल बाद या सक्षम प्राधिकार द्वारा उसे मृत घोषित करने के 5 साल बाद तक आश्रित नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है। सामान्य प्रशासन विभाग के इस बदलाव का फायदा उन परिवारों को भी मिलेगा जिनके घर में अनुकंपा पर नौकरी पाने के लिए कोई पात्र नहीं है। साथ ही आश्रित अगर नाबालिग है तो वह वालिग होने के बाद नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है। हालांकि शर्त यह है कि वालिग होने के 1 साल की अवधि में उसे नौकरी के लिए आवेदन करना होगा। मैं पेरू मिलूंगी फिर आपसे एक नई खबर के साथ। तब तक कोरोना में अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद।